पत्नी को डराने के लिए एक पति ने अपने अपहरण की झूठी कहानी तैयार कर ली। इसके बाद ना सिर्फ इस युवक के परिवार के लोगों के होश उड़ गए, बल्कि उसकी तलाश में पूरे गांव के 50 से ज्यादा लोग, 4 पुलिस थानों के 20 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ रात भर इस शक को जंगलों में तलाश करते रहे। लेकिन जैसे ही सवेरा हुआ, वैसे ही ग्रामीण और पुलिसकर्मियों को यह शख्स खेतों के पास मिल गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने हिदायत देकर छोड़ दिया है कि भविष्य में इस तरह की गलती फिर से की तो उसकी खैर नहीं। मामला विजयपुर थाने इलाके के गुन्नीपुरा गांव का है, जहां बुधवार की शाम घरेलू विवाद के चलते राकेश बघेल नाम के युवक का उसकी पत्नी के साथ विवाद हो गया था। इसके बाद नाराज होकर यह शख्स अपने घर से बिना कुछ बताए कहीं चला गया। रात करीब 8 बजे युवक ने अपनी माँ को फोन पर जानकारी दी कि बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया है। उसके बाद युवक का फोन बंद हो गया। घबराई हुई युवक की मां रोने चिल्लाने लगी, जिससे सुनकर पूरे गांव के ग्रामीण महिला के घर पर जमा हो गए, जिन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद विजयपुर ही नहीं बल्कि वीरपुर, गजबानी, अग्रा और रघुनाथपुर सहित 5 पुलिस थाना के करीब 20 से ज्यादा जवान व 50 के करीब ग्रामीण इस ठिठुरती भरी ठंड में युवक की जंगल व उसके आसपास के इलाकों को तलाश करते रहे। लेकिन जैसे ही सुबह हुई और ग्रामीण व पुलिस ने युवक के खेत पर जाकर देखा तो युवक वहां घूमता हुआ गया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वासुदेव है। तुम्हारा? सियाराम बघेल। क्या हुआ था रात में? उसकी माँ ने बिलाप किया था कि मेरा लड़का अपहरण हो गया है सर। और क्या नाम है लड़के का? राकेश। राकेश का अपहरण हो गया है? राकेश का अपहरण हो गया है। तो सर माँ ने बिलाप किया, सारा गांव इकट्ठा हुआ और मैंने सारे गांव ने बोला कि फ़ोन करो थाने को। तो मैंने दरवाजे साहब को फ़ोन किया कि सर हम ऐसा ऐसा हो गया है, राकेश का अपहरण हो गया है। तो अब हमारी पुलिस तुरंत ही हमारे पास आई और हम उनके साथ खोजना के लिए गए थे, तो साहब हमको नहीं मिला, वो अपने आप ही आ गया। कौन आ गया? राकेश। कहाँ आ गया? गांव में। गांव में आ गया था? गांव में आ गया था। और सब पुलिस वाले हम साथ साथ में थे, उनको थाने ले गए थे और वहाँ पे उनके बयान हुए। क्या बताया उसने बयानों में? बयानों में उसने ये बताया था कि हम पति पत्नी में दोनों में कुछ विरोध हो गया, तो मैं खेत पे से माने थोड़ा दूसरा खेत था, उस सरसों के खेत में मैं छिप गया था, वापस निकल कर आया था। हम अपनी रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं जी, आपसे निवेदन है। जो इसमें अपराध की बात बताई गई थी, राकेश पिता कोक्सिंग बघेल, उसके संबंध में उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसकी पत्नी के साथ पे रात पे झगड़ा हो गया था और झगड़ा होने के कारण वो अपने खेत से चले गया था। इसी बात को जो है उसकी माँ के द्वारा जो है थाने में ये बताया गया कि उसके लड़के को किसी के द्वारा जो है अगवा कर लिया गया है। इस संबंध में थाने में आकर के सूचना दी गई थी। आई नहीं देख रहा हूँ, उसी के आधार पर जो है, सूचना के आधार पर जो है यहाँ पे जो SDOP और थाना जो है विजयपुर और अग्रा, जसवानी, नागपुर का जो बल उसके सर्चिंग के लिए लगाया गया था। लेकिन बाद में वह लड़का सुबह आया और उसके द्वारा बताया गया कि वह अपने पत्नी से झगड़ा होने के कारण खेत में चले गया था। इस तरह की कोई भी घटना जो है नहीं हुई।